सारा घर में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम इधर है। खैरियत? दिल बहुत बेचैन है समझा। पर जब तुम हमारे सामने आते हैं ना, हमारा दिल को ठंडक पहुंचता है। जब ऐसे आंखें बंद करता है तो लगता है सारा दुनिया इसके अंदर बंद हो गया, वक्त रुक गया है। वक्त को रुकना नहीं चाहिए, इसको मौत कहते हैं। पर अभी हम मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। तुम्हारा साथ, तुम्हारा पास। हाँ, दुश्मन से दूर। इसको हमेशा अपने पास ही रखते हैं। जैसे तुम हमारा महबूब है, वैसे ये भी हमारा महबूब है। जब तुम हमसे दूर होता है तब बेचैन होता है, ये हमसे दूर होता है तब भी बेचैनी होता है, और जब ये हमसे दूर होगा तो दुश्मन को खुशी होगा। को आता है पिस्तौल चला? नहीं। ये तो हमारा इज्जत पे बात आ गया कि चनार खान का बीवी और पिस्तौल चलाना नहीं आता। हमसे कहता है तुम्हें, ये पकड़ो। साथ रखो। सामने ऊपर निशान तैयार, चला। क्या बात है संता? तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कांपा। आपका हाथ जो था मेरे हाथ में। कभी जिंदगी में हमारा हाथ तुम्हारा हाथ में ना हो, और हमारा ये महबूब तुम्हारा हाथ में हो। तब भी तुम्हारा हाथ ना कांपे, याद रखना। मैंने चनार खान की आंखों में खौफ देखा है, घबराया हुआ है वो। चनार खान पत्थर का इंसान है, तुमको कोई बहुत बड़ा गलत फहमी हुआ है। पहाड़ से ज्यादा सख्त जान कोई नहीं यारा, और मैंने पहाड़ को टूटते हुए देखा है। जब पहाड़ टूटता है तो पत्थर उसका आंसू बन के गिरता है।
और मैंने चिनार खान की आंखें देखी हैं, वो टूट रहा है। वो तो उसकी किस्मत अच्छे की गार्ड आ गया, उन्हें मैंने चेंबर मार दिया था। शुक्र करो कि गार्ड आ गया और तुम वहां से निकल गए। अभी तुम हमारा बात गौर से सुनो। तुम चिनार खान का आंख में फंस गया है और गलती से भी उसके सामने नहीं जाना। और बड़ा तुम क्या उसको बार बार फोन करते हैं? हो सकता है कोई मसला हो। कैसा मसला? कौन सा मसला? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं। वही तो हम बोलते हैं कि हो सकता है उसके फोन में मसला हो। अभी तुम दोनों हमारा बात गौर से सुनो। और तुम बरीरा बैठो। हम बैठो। तुम तीनों जानते हैं इस घर का हालात बहुत खराब है। ये सब अगर ऐसे ही चला तो हम भी कुछ नहीं कर पाएगा, सब हमारे हाथों से निकल जाएगा। अभी तुम लोगों का फर्ज बनता है कि इस घर में कोई ऊंचा नीचा बात ना। पहले क्या हमारा वजह से होता? ओ मड़ा, फिर वही बात। तुम हमारा बात सुनो। जानता है ना कि गुलाब खान का दिल में मैल आ गया और अपना बादशाह लाला वो कितना दुखी है। तुम तीनों मिलके घर का औरत लोग का दिल में जो फासला है वो खत्म कर सकते हो। तुम ये करो, हम अपना भाई लोग को खुद समझा लेगा। लाला रुख और बख्तावर से भी बात कर लें। वो तो हम बाद में करेगा ना, अभी तो तुम लोग करो। देखो इस घर का जिम्मेदारी जो है ना वो तुम लोगों के ऊपर है। हमने हमेशा जो कुछ भी किया आपने घर का वास्ता किया। हाँ तो अब और करो, और ज्यादा ख्याल करो। और ये जो तुम लोगों का आपस में नफरत है ना, इसको भी थोड़ा खत्म करो। अपना प्यार मोहब्बत बढ़ाओ थोड़ा। चलो खाना खाओ, मिलके खाना खाने से ना मोहब्बत बढ़ता है। बढ़ता हुआ मोहब्बत हम देख रहे हैं। बच्चे को दो।
तुम किधर थी? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मौका नहीं मिल रहा था, मौका तो अब भी नहीं है, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। पूरी कोशिश की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा वार खाली चला जाएगा। सब उलट गया। ये तो मेरी दुआ थी कि सब उलट हो जाए, क्योंकि मैं उन लोगों को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। वक्त नहीं है मेरे पास अब, सब जो तुम सोच रहे हो ना इसमें बहुत वक्त लगेगा। वक्त नहीं है, सब्र नहीं कर सकती अब मैं मजीद। तो कभी कभार देखते हो ना इनको, मेरी नजरों के सामने रोज रहते हैं ये लोग। दिल चाहता अपनी आंखें नोच लूं। आने लगी है मुझे खुद से, इनसे बात करती हूं ना तो मेरी जुबान अंगारों की तरह जलती रहती है। नहीं बर्दाश्त हो पाएगा मुझसे, मेरे बस में हूं तो अगले ही लम्हे ये सब जमीन के अंदर दफनूं। हर गुजरता लम्हा कोहरे बरसाता है मुझ पे। हमें कुछ करना होगा बादल, इधर उधर निशाने लगाने से बेहतर है एक ही बार वार करें। अब मेरी बात सुनो गौर से। क्या हो गया? वम को देख के ऐसे डर क्यों जाता? वो आते ही ऐसे हैं, कोई भी डर जाए। डरता तो चोर, तुम चोर थोड़ी है, तुम तो हमारा बीवी है और इतना प्यारा वाला बीवी। अभी देखो तुम्हारे लिए ना हमने गुलवरीन के साथ वो किया है, वो क्या कहता है अंग्रेजी में, जो चीट किया। अच्छा किया ना? हाँ अच्छा किया ना? हाँ पर तुम अच्छा नहीं किया। हाँ मैंने क्या किया? नहीं तुम कुछ नहीं किया, वैसे ही कह रहा है वो। असल में हम खुद चीटर है ना, अब कोई और चीट करे तो हमको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तुम ऐसा कड़ा क्यों है? सारा दिन काम करता है, थक जाता है, अभी भी कड़ा है। चलो लेटने का टाइम है। हाँ लाला, किधर जा रहे तुम?
किधर भी नहीं जाता, इधर ही है। ऐसा अकेला बाहर मत जाओ, बाहर दुश्मन है। दुश्मन घर के अंदर है चनार खान, बाहर नहीं है। खाम खावा में आज चलाना बंद करो तुम। बाबा आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। बलास बड़ा, अभी जो हम तुमसे पूछेगा ना, तुमको खुदा का वास्ता है, सच सच जवाब देना। बाबा अब आपको मुझ पर एतबार नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता। सच तो ये, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। हाँ आमिर वाले हालात में फर्क था। झूठ झूठ होता है बल्लास, बात को हालात के पीछे मत छुपो, कोई फायदा नहीं। लाला को जो पहला गोली लगा था तुम चलाया, झूठ नहीं बोला हमसे। देखो जो सच है वो बोलो। यहाँ सबको लगता है कि दुश्मन घर का अंदर है, अगर हमको भी ऐसा लगेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सच बोलो। बाबा मैं गोली नहीं चलाया, दुश्मन घर से बाहर है। अच्छा होगा आप इस बात पे ईमान ले। बलास खान तैयारी पकड़ो, तुम हमारा साथ अभी बाहर जाएगा। ये आम तुम्हारा वास्ता लेके आए। बात सुनो गुलखान, सारा असला लोड करो, घर के अलावा जितना गार्ड है सब हमारा साथ जाएगा। और मड़ा तुम हमारा बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं तुमसे। हाँ तुम अपना जबान चलाना बंद करो, हमारा बात सुनो, असला लेके घर आओ, हम देखेगा सब कुछ। समझ आया तुमको? चलो रखता है, चलो। ये बख्तावर ने हमारा बहुत बेइज्जती किया। क्या हो गया गुलवरीन? भाभी ने क्यों किया ऐसा? हम उसके पास गए कि हालात को ठीक करें और उसने हमारा मुंह पर दरवाजा बंद किया। तुम हमको एक बात बताओ, तुमको कहा किसने था वहां जाने के लिए?
एक तरफ कहता है कि हालात को ठीक करो, फासला को खत्म करो, और जब हमने कोशिश किया तो उसने हमारा बेइज्जती किया। अब हम उसका मुंह भी नहीं देखेगा। हाँ, तुम अपना मुंह देखो, हमें परेशान नहीं करो। हमने जमदा को लगाया इस काम पे। हाँ ठीक है, और से और उसको घर का मालिक बनाओ। जब मुझे मना किया तो खुद क्यों गया वहां पर? तुम्हारा वास्ता ही गया था। अब जाओ अपने बाबा के पीछे, हमारा दिमाग ना खराब करो। तुमने उनको वो बंदूक वापस दे दी फिर? कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं, है ना? हम ना बहुत जरूरी काम से जा रहा है। वो है ना बादल, वो हमारा और सूरज का दरमियान आ गया है, जिसकी वजह से हमारा जिंदगी में अंधेरा छा रहा है। उसको हटाना बहुत जरूरी है। ऐसा हुआ चलाएगा कि बादल खुद ब खुद आके हमारा कदमों में गिरेगा। तो सबको प्यारा होता है। जैसे हमारा ये एहसास और उसका ये मां। चलता है देखो, अम्मी बुला रही है, जाओ। गुलाब खान, सब खैर है ना बाबा? नहीं, खैर नहीं है ना गुलाब खान। वो चनार खान चनावर के घर गया है। अभी ये काम चनार खान को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अभी
पहले उस बदबख्त के माँ को उठा कर ला था तो आज उस खाना खराब का कब्र इधर बना हुआ होता। बस बाबा, मेरा तो दुआ है कि चनार खान कामयाब लौटे। इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, मैं अपने चनार खान को अच्छी तरह जानता हूँ। अभी ऐसा करो गुलाब खान, तुम इधर घर पे रुको, हम हुकूमत के बंदों से बात करके आता है। ठीक है बाबा। बताओ सारा गांव वालों को कि चनार खान आया है, वो भी चश्मा लगा के। क्या हो गया, रोका क्यों हुआ फायरिंग? और जितना फायरिंग करो, क्या अगर कोई बंदूक उठाने का सोचे भी तो उसका हाथ कांपे। चलो गोली। बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, वाह गुलखाना, देखो राशा बड़ा। तुम तो कह रहा था कि ये बोला है कि अगर दुराब खान में हिम्मत है तो वो आए इसको लेने। हम ऐसा कैसे कह सकता है खान साहब? देख रहा, हम बोल रहा था तुमको कि अच्छा आदमी है। कहाँ मखा तुम, क्या नाम क्या है तुम्हारा?
शनावर, शनावर नाम है खान साहब हमारा। वाह वाह वाह, कितना अच्छा नाम है तुम्हारा, कितना अच्छा, शनावर। हमारे लिए तो इज्जत की बात है कि आप हमारे घर आए खान साहब। आओ खान साहब, अंदर आओ, घर आओ, आओ अंदर। जी जी जी, बोल खान, कहाँ मकाम हमारा गोलियां जाया करवाया, ये पकड़ो, हम आता है पर लास्ट तुम इधर ही रुको। वो जमदा किधर है? खैर है गुलाब खान? हाँ बस वैसे ही पूछा। नहीं, काफी देर से हमको नहीं दिखी। मजाल नहीं कि अम्मा की तरफ आंख उठा के भी देखें। पहले तो मैं सिर्फ खाई कर रहा था, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तो फिर उनकी औरतों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम इस वक्त सिर्फ शनावर को फोन करो और कुछ नहीं बादल। शनावर को तो फोन कर चुका हूँ, अभी मौका अच्छा है। इस चिनार खान और प्रलास खान को शनावर के गाँव में दफना देता हूँ। उधर जाने की गलती मत करना बादल, चिनार खान अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहाँ गए, उसको मारना इतना आसान नहीं है इस वक्त। इस वक्त जो आसान शिकार है उस पे फोकस करो। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ आर यहाँ बाहर।